नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर सिमडेगा से है, जहां ठनका की चपेट में आने से 3 हॉकी खिलाड़ियों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 अन्य खिलाड़ी घायल भी हुए हैं। ये दर्दनाक हादसा सिमडेगा के टूटीखेला गांव में हुआ है। बताया ये जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए सभी खिलाड़ी पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी पेड़ के पास ठनका गिर गया और 3 खिलाड़ी उसकी चपेट में आ गए। दरअसल कोलेबीरा थाना क्षेत्र के टूटीखेला पंचायत के छपला में हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सभी खिलाड़ी जा रहे थे और इसी दौरान तेज बारिश होने लगी और सभी खिलाड़ी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली उसी पेड़ के पास गिर गई, जिस पेड़ के नीचे सभी खिलाड़ी खड़े थे। इस घटना के बाद सिमडेगा में शोक की लहर है। बता दें आपको कि झारखंड के सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहां से कई नेशनल प्लेयर निकले हैं, इसमें सिल्वानुस डुगडुग, साथ ही ओलंपिक विमल लड़का और आपको बता दें कि समुराई टेटे, इसके साथ ही सलीमा टेटे जैसे कई बड़े हॉकी प्लेयर यहां से निकले हैं और इसमें शामिल हैं। इस साथ 3 युवा हॉकी खिलाड़ियों की मौत से लोग दुखी हैं। कोलेबीरा प्रखंड के तोटीकेल पंचायत के छपला ग्राम में हॉकी खेल रहे कुछ बच्चे जो हैं बजपा की चपेट में आए हैं, जिसमें 3 की मृत्यु की सूचना है और 5 घायल, और इनको घायलों को इलाज के लिए यहाँ लाया गया है अस्पताल में और बाकी लोगों को भी लाया गया है, जिनका जांच चल रहा है। और प्रशासन को जैसे सूचना मिली, प्रशासन गई थी गाँव और इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए बच्चे का इलाज किया जाएगा और जो भी इससे प्रभावित होंगे उनको सरकारी लाभ जो है उचित जो होगा वो दिलाया जाएगा प्रशासन की ओर से। उस घटना से हम लोग काफ़ी आहत हैं। जैसे ही हमने इस घटना के बारे में सुना, हमने घायलों के पास पहुँचा। अब घायलों की स्थिति को देख के हम लोग बाहर रेफर करने के लिए पूरा व्यवस्था कर रहे हैं और जो मृतक हैं उनको जो इस आपातकालीन घटना से जो मृत्यु है उसका जो मुआवजा देना है उसको हम लोग दिलाने का जितना जल्द हम प्रयास करेंगे। झारखंड सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पास झारखंड सरकार के बकाए 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के बकाए भुगतान को जल्द से जल्द लौटाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी बड़ी जीत बताई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बड़ी जीत, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। अब केंद्र से झारखंड को अपने बकाए 1,36,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीएम ने अपने पोस्ट में आगे ये भी लिखा कि हर झारखंडी के इस बकाए को लेकर आपकी सरकार लगातार आवाज बुलंद कर रही थी। अब हमें 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। 22 साल में चरणबद्ध तरीके से ये भुगतान होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्यवासियों के हक सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन कल्याण में होगा और हर झारखंडवासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। मामला लंबित था केंद्र सरकार के पास और बार बार हम लोगों के गुहार लगाने के बाद भी केंद्र सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगता था। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है उस फैसले के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि राज्य के लोगों का जो हक अधिकार था आज उनको देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 अगस्त को पाकुड़ दौरे पर जाने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि हेमंत सोरेन अगले कुछ दिनों तक कई जिलों का दौरा करेंगे और सरकारी कामों में भी शामिल होंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण भी शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत से होने की संभावना 30 अगस्त से है। बता दें आपको कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन एक्टिव हो गए हैं। उनका कार्यक्रम भी जो होता है वो लगातार चलते रहता है। अभी पाकुड़ में कार्यक्रम होने हैं, राज्य के कई जिले हैं जहां लगातार उनका कार्यक्रम चलेगा। तो हम समझते हैं कि जब राज्य की जनता ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है, तो निश्चित रूप से वो उन लोगों के बीच में रहेंगे। रांची में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से अंडर-17 अंतरराष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल की विजेता टीम से मुलाकात की। सीएम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मौके पर मौजूद जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने खिलाड़ियों का मुंह मीठा कर उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि सभी खिलाड़ियों ने एक चैंपियन की तरह प्रदर्शन किया है और देश दुनिया में झारखंड का नाम रोशन करके दिखाया है। बता दें कि नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में मंगलवार शाम खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही रांची की मदर इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने बांग्लादेश की क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान की टीम को 4-1 से हराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश के नाम संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशवासी 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्साह मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वहीं अपने संदेश में राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अगले साल उनकी 150वीं जयंती का उत्सव राष्ट्रीय पुनः जागरण में उनके योगदान को और अधिक गहराई से सम्मान देने का अवसर होगा। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें सभी समुदायों ने भाग लिया। आदिवासियों में तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक और फूलो जानो जैसे कई अन्य लोग थे जिनके बलिदान की अब सराहना हो रही है। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अगले वर्ष उनकी 150वीं जयंती का उत्सव राष्ट्रीय पुनर्जागरण में उनके योगदान को और अधिक गहराई से सम्मान देने का अवसर होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन ने एक जन अभियान का रूप ले लिया है। इसके तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। नेशनल एक्शन फॉर मेकानाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना के तहत यही सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के जख्म भरे काम को हाथों से नहीं करना पड़ेगा। देश कल आजादी के 78 साल का जश्न मनाने की तैयारी में है। इस साल 15 अगस्त की थीम विकसित भारत का है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करना है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार कल उप राजधानी दुमका में झंडा फहराएंगे। दुमका पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन को लेकर तैयारी पूरी भी कर ली गई है। राज्यपाल को 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंच भी गए हैं। आपको बता दें कि दुमका पहुंचने पर संथाल परगना प्रमंडल और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वास्तव में आजादी के इतने वर्षों के बाद जो देश प्रगति की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है,
और जितनी भी सरकारें हैं जिस ढंग से काम कर रही हैं उससे हम विश्वास करते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश अगले कुछ समय में दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत बने आर्थिक रूप से, मुझे लगता है कि सबके सहयोग से मिलकर हम इसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और देश दुनिया में अपनी पहचान और नाम पैदा करेगा। दुमका पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक कार्यक्रम में भाग लिया और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने महिलाओं के लिए किए जा रहे काम की तारीफ की, वहीं महिलाओं से अपने बच्चों को शिक्षित करने का आग्रह भी किया। राज्यपाल ने सरकार के कई योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। तालियों के साथ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच में हमको भेजा है। मैं अभी तक लंबे समय से लोकसभा में काम करता था और अब ये दूसरी जिम्मेदारी हमको मिली है, पर यहाँ पर हम आपसे सुनने आए थे, पर यहाँ पर आकर जो बात मुझको सबसे अच्छी लगी, हम रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं पर हम जितनी भी बैठकों में उत्तर प्रदेश में जाते थे इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें नहीं आती थी, बहुत कम आती थी। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप आए।